इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के शुभंकरपुर से आ रही है, जहां बताया जाता है कि शुभंकरपुर शक्ति स्थान के पास महिला सहित बच्चों से भरी टेम्पोल नदी में जा गिरी है। वहां इस भयंकर घटना में मौत होने की भी बात सामने आ रही है। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर शक्ति स्थान से आ रही है, जहां बताया जाता है कि शक्ति स्थान में एक धार्मिक स्थल है, जहां लोग प्राय पूजा पाठ एवं मेला घूमने के लिए आते हैं। वहीं आज मेला लगा हुआ था। इस दौरान आज टेम्पल से सवार होकर कई महिला एवं बच्चे यहां पूजा पाठ और मेला घूमने आ रहे थे, तभी खराब रास्ता होने के कारण टेम्पल बेकाबू हो गया और 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। वह इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उधर बताया जाता है कि जिला प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को नदी से निकाला गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा के DMCH रेफर किया गया। लेकिन जैसा सूचना निकल के आ रहा है कि इस घटना में 1 से 2 लोग की मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि हमारा बिहार नहीं करता है। आगे देखिए क्या है मामला। अच्छा, तो मैंने क्या जानकारी अभी तक मिला? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है किसी की। कितने लोगों की मौत की खबर है? कोई भी मौत की खबर नहीं। और घायल कितने लोग हैं? घायल 7-8 लोग को निकाला गया है, सबका इलाज चल रहा है, सब सुरक्षित। ये लोग सब कहाँ के थे सर, और क्यों आए थे? प्रजापट्टी के थे, शायद मुंडन के लिए मंदिर में आए हुए थे। जी सर, ये काफ़ी पुरानी सड़क है और तीर्थस्थलीय है और जर्जर अवस्था की बराबर। ठीक है, ये मुद्दा फिर से इलेक्शन खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के बाद इसको देखा जाएगा और जरूरत होगी तो इसकी मरम्मत की जाएगी। और सर, जितने लोग घायल है वो कहाँ भर्ती हैं? कुछ लोग DMCH में है और कुछ लोग प्राइवेट नर्सिंग में। मेरे किसी प्रकार की कोई मैंने हताहत की सूचना नहीं है। सूचना नहीं क्या सर, फिर से वहाँ गोताखोर इंडिया की टीम जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग यहीं स्टेशन रहेंगे, जरूरत होगी तो हम लोग फिर से गोताखोरी करेंगे। सर, कितने लोग की बात सामने आ रही है? 7 से 8 लोग, जैसा कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बताया गया है, 7 से 8 लोग थे जिनको निकाल के तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। सर, लोग थाने के सीमांकन को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं, थाना का सीमांकन नहीं, उसमें बाउंड्री का डिस्प्यूट से कोई नहीं है। 3 से 4 थाना प्रभारी मौजूद हैं तो वो उस चीज़ की बात छोड़ दीजिए, किसी डिस्प्यूट को लेकर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। सर, पब्लिक में सड़कों के लेकर के काफ़ी आक्रोश तय की गई, क्या अभी स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति सामान्य पूर्ण है। उनका शिकायत है कि रोड खराब है, इसको इलेक्शन के बाद मैं जो भी उचित फोरम होगा वहाँ इसको जरूर। ठीक, धन्यवाद। ये सती थान का मेला लगता है, सती थान का मेला बहुत वर्षों से यहाँ प्रसिद्ध सती माई स्थान में यहाँ सतियाना के पास लगता है सोमवार और शुक्रवार को। आज सोमवार के दिन सती थान के मेला में अब ये टेम्पो सवार कहाँ से आ रहे थे? कर्जापट्टी। बताइए, इतने दूर से लोग यहाँ कर्जापट्टी के सवार थे जो मुंडन कराने के लिए बच्चों का यहाँ पर आ रहे थे। सड़क खराब होने की वजह से घास पर टेम्पो ड्राइवर नहीं समझा होगा, थोड़ा सा भी यहाँ मिस हुआ और सीधे नदी में जाके ऑटो पलट गई। और मतलब 1 साल से कम का बच्चा, सांस नहीं चल रहा है, उनकी क्या हालत होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। सभी ग्रामवासी मिल के प्रशासन आ चुका है। मृत्यु भी हुई है? अभी मृत्यु की बात नहीं पता चली है, लेकिन हालत गंभीर है, बहुत सीरियस हालत है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे प्रशासन से, आप फिर बहाना कहिएगा आचार संहिता है, शुभंकरपुर और बाजिदपुर रत्नोपट्टी के लोग पिंजरा में रह रहे हैं, उस पिंजरा का एकमात्र लाइफ लाइन अभी भी मैं कह रहा हूँ पुल टूटा हुआ है, ये एकमात्र सड़क है जिसपे लोग जान आन करते हैं। अविलंब जिस विभाग के माध्यम से हो, जिस प्रशासन के माध्यम से हो, या बहादुरपुर विधानसभा हो, नगर विधानसभा हो, सांसद से हो, हम सभी लोग से, मैं व्यक्तिगत आज बात करके हम DM साहब से आग्रह करना चाहेंगे कि इस सड़क को अविलंब बनाने की कृपा की जाए, वरना लोग मर रहे हैं और बड़े मारे जाए। नाम बताइए। बालेंदु झा, इस गांव का निवासी हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं।